नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और बाबा जी हाउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस तरफ आपको जो घर नज़र आ रहा है ये घर देखने जा रहे हैं। ये घर लगभग 140 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। ये घर 4 BHK हाउस है और ये घर सन एन्क्लेव सेक्टर 125 में है। ये घर ईस्ट फेसिंग है और इसके आसपास भी आपको दो घर और बनते हुए नज़र आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारे पास 3 घर हैं और यहाँ पे आपको 4 बेडरूम और 3 बेडरूम दोनों तरह की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों ये लोकेशन है सन एन्क्लेव सेक्टर 125 और यहाँ पे ऑलरेडी बसावट काफ़ी है, आपको नज़र आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं और इस एरिया में कुछ घर नए भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से भी बसावट है और आने वाले वक्त में और बसावट यहाँ पे बढ़ जाएगी। दोस्तों इस घर में आप देख सकते हैं कि एलिवेशन को ड्यूल टोन कलर में डिज़ाइन करके बनाया गया है और आगे की तरफ बड़ा रैंप एरिया आपको मिलेगा तीनों घरों के आगे। तो घर के बाहर की तरफ भी हमें पार्किंग की स्पेस मिलती है, घर के अंदर की तरफ भी हमें पार्किंग की स्पेस मिलती है। दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे बाउंड्री वॉल की गई है जिसमें आपको टाइल वर्क, प्रॉपर एक डिज़ाइनर टाइल वर्क नज़र आ जाएगा। और इस तरह से हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है, आपको काफ़ी हैवी आयरन का गेट मिलेगा और इस गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं जिनके ऊपर गेट लाइट पहले से लगा दी गई है। और यहाँ से जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले पार्किंग की स्पेस मिलेगी लगभग 12 फीट बाय 15 फीट के साइज़ की। तो एक गाड़ी आपकी घर के अंदर के एरिया में गेटेड एरिया में पार्क हो पाएगी। बाहर की तरफ भी आपको पार्किंग की स्पेस मिल रही है। पार्किंग एरिया में दोस्तों ग्लोसी ग्रेनाइट है और इस तरफ आपको 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है अलग से। दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज इस घर में हमें प्रोवाइड की जा रही है और लाइट कलर की टाइल्स जो यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगी ऊपर तक यहाँ पे लगाई गई हैं इसके एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। दोस्तों घर के आगे के हिस्से में पानी का टैप लगा कर दिया जाएगा और एक वॉश बेसिन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ हम कर सकें। दोस्तों विंडोज़ की अगर बात करेंगे तो कॉर्नर विंडोज़ यहाँ पर बनाई गई हैं जिसमें फिक्स विंडो और ओपन करने वाली विंडो दोनों तरह की विंडोज़ हमें मिलती हैं। और यहाँ से हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है। सबसे पहले वेलकम वॉल पे हमें नज़र आ जाएगा कि वुडन डिज़ाइन हमें मिल रहे हैं जिसमें LED लाइट्स लगाई गई है। ऊपर की तरफ हमें स्प्लिट AC का प्रोविज़न नज़र आ जाएगा जो कि ड्राइंग रूम के लिए है और छत पर फॉल सीलिंग बनाई गई है जिसमें LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। स्टेयर्स के नीचे हिडन स्टोरेज हमें मिल रही है जिसमें गैस सिलेंडर रख सकते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल करवा सकते हैं और कुछ क्लीनिंग डस्टिंग का एक्स्ट्रा सामान जो रख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है जहाँ से घर के अंदर हम जा सकते हैं और ग्लोसी ग्रेनाइट आपको स्टेयर्स पे मिलेगा और स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है। दोस्तों सबसे पहले वायर मैश डोर हमें मिल रहा है, फ्रेम वाले डोर्स हैं और डबल जाली यहाँ पर लगाई गई है। और ये है मेन एंट्रेंस डोर। इस घर में जितने डोर्स हैं सभी वुडन डोर्स हैं, फ्रेम वाले डोर्स हैं, इनमें पॉलिश वर्क फाइन फिनिशिंग आपको मिलेगा। और एंट्री पे राइट साइड की तरफ आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का हॉल अलग अलग मिलेगा। ड्राइंग रूम हमारा इस तरफ है, लगभग 11 फीट बाय 12 फीट का साइज है ड्राइंग रूम में। फॉल सीलिंग में दोस्तों आपको वुडवर्क भी मिल रहा है और LED लाइट्स भी मिल रही हैं। इस तरफ की विंडोज़ को हमने बाहर से देखा था, कॉर्नर विंडो को, और साथ ही उस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न किया गया है। और इस घर में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग आपको मिलेगी पूरे घर में। दोस्तों ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को एक वुडन पार्टीशन के साथ यहाँ पर अलग अलग किया गया है जो कि नज़र आ जाएगा। ऊपर की तरफ हमें LED लाइट्स भी मिल रही हैं इस पार्टीशन में। और ड्राइंग डाइनिंग की जो वॉल है पीछे की, इस पूरी वॉल को POP के प्लास्टर के साथ एक बढ़िया डिजाइनिंग वर्क के साथ बनाया गया है जो कि आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों ड्राइंग रूम के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा डाइनिंग एरिया है जिसका साइज़ है अंदाजन 10 फीट बाय 17 फीट। इस डाइनिंग एरिया के पीछे की वॉल पे हमें TV पैनल मिल रहा है बड़े साइज़ का, ओपन और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज के साथ है। बड़े साइज़ के LED आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डेकोरेशन करने के लिए भी हमें स्पेस मिल रही है अलग से। तो दोस्तों डाइनिंग एरिया के सामने हमें मिलेगी किचन, ओपन किचन यहाँ पे बनाई गई है, लगभग 8.5 फीट बाय 10 फीट का साइज है। पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है जिसमें शेल्फ के नीचे की तरफ भी हमें प्रॉपर स्टोरेज मिल रही है
शेल्फ के ऊपर की तरफ भी हमें प्रॉपर स्टोरेज मिल रही है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर यहाँ पे लगाए गए हैं और कंक्रीट का यहाँ पे स्लैब बनाई गई है, उसके ऊपर किचन टॉप पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। दोस्तों सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन यहाँ पे हमें मिल रही है हाइड्रोलिक्स के साथ, और ग्रे और वाइट कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बढ़िया बनाया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे इस तरफ है कुकिंग एरिया, जिसमें आपको नज़र आएगा गैस सिलेंडर बाहर रखने के लिए गैस पाइपलाइन डाल दी गई है, उसका प्रोविजन कर दिया गया है। इस तरफ चिमनी लगा पाएंगे, चिमनी का आउटलेट उस तरफ दिया गया है। और इस किचन में इस तरफ है वॉशिंग एरिया, जिसमें मॉडर्न डबल सिंक बाउल लगाए गए हैं और ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। सेरा कंपनी की फिटिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जा रही है। पीछे की तरफ विंडोज़ हमें मिलेंगी, इसके ऊपर की तरफ वेंटिलेशन करने के लिए एग्जॉस्ट फैन हम लगा सकते हैं, आरओ इस तरफ हम लगा पाएंगे और गीज़र उस तरफ लगा पाएंगे। तो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ की प्रोविजन के साथ हमें यहाँ पे किचन मिल रही है, जिसमें इस तरफ आप बड़े साइज़ का फ्रिज रख पाएंगे और फॉल्सलिंग में प्रॉपर अलग से डिज़ाइन मिलेगा आपको किचन एरिया में, जिसमें वुडवर्क भी है और LED लाइट्स भी हैं। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे दो बेडरूम्स हमें मिल रही हैं इस घर में। दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा आपको नज़र आ जाएगा। ये दरवाजे भी फ्रेम वाले डोर्स हैं, जिनमें पॉलिश वर्क आपको मिलेगा, फाइन फिनिशिंग। दोस्तों इस तरफ के बेडरूम का साइज है लगभग 12 फीट बाय 14 फीट, जिसमें फुल साइज के कपबोर्ड सीलिंग की हाइट तक हमें मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ है, ड्यूल टोन कलर का यूज किया गया है यहाँ पे। और इन्हीं कपबोर्ड के साथ अटैच करके ड्रेसिंग टेबल इस तरफ बना दिया गया है, लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है, जिसमें नीचे की तरफ प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है और आगे की तरफ हमें ओपन स्टोरेज के साथ TV पैनल मिल रहा है इस बेडरूम में। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है, फॉल सीलिंग में LED लाइट भी लगा दी गई है, जो कि हमें नजर आ जाएंगी। इस बेडरूम में वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए हमें फिक्स और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडोज मिल रही हैं। विंडो AC भी लगा सकते हैं और स्प्लिट AC का भी प्रोविजन किया गया है। दोनों तरह के AC आप अपनी पसंद से लगवा सकते हैं। दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है, जो कि इस तरफ है। इस बाथरूम में आपको नजर आ जाएगा कि सैनिटरी की फिटिंग लगा दी गई है मॉडर्न डिजाइन की ब्रांडेड, और वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है ग्लोसी ड्यूल टोन कलर के साथ, और बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड की गई है, लगा दी गई है। दोस्तों विंडोज हमें इस तरफ नजर आ जाएंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम, चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। इस बेडरूम का भी साइज है 12 फीट बाय 14 फीट। और दोस्तों इस बेडरूम में भी हमें कपबोर्ड्स प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक फुल साइज के मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ हैं। और ड्रेसिंग टेबल दोस्तों अटैच करके बना दिया गया है इस तरह, जो आपकी आपको नजर आ जाएगा, विद स्टोरेज और लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। और साथ ही TV पैनल हमें यहाँ पे ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज के साथ मिल रहे हैं, जिसमें ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। तो और पीछे की पूरी वॉल पे वॉलपेपर आपको मिलेगा, डिज़ाइनर वॉलपेपर। दोस्तों इस बेडरूम में फॉल सीलिंग का अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा LED लाइट के साथ, और इसके साथ ही इस तरफ हमें स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन मिलेगा इस बेडरूम में। और बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ इस तरफ। दोस्तों इस बाथरूम में भी सैनिटरी की फिटिंग लगा दी गई है। इस बाथरूम में भी ग्लोसी टाइल्स वॉल्स पे लगाई गई हैं सीलिंग की हाइट तक, एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में, और विंडोज हमें इस तरफ नजर आ जाएंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके इस बाथरूम एरिया में। और
सैनिटरी की फिटिंग आपको इस बाथरूम में नजर आ जाएगी कि मॉडर्न डिजाइन की है, ब्रांडेड है, घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है और बढ़िया क्वालिटी के साथ इस घर को बनाया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ एक ओपन करने वाली विंडो हमें मिल रही है, साथ ही एक दरवाज़ा भी मिलेगा जहां से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं, जो कि अंदाजन 6 फीट बाय 10 फीट के साइज़ में है। तो दोस्तों रियर वॉशिंग एरिया में आपको पीछे की तरफ नज़र आ जाएगा कि आयरन की ग्रिल्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, जो कि नॉर्मली हमने देखा होगा कि हर घर में हमें नहीं प्रोवाइड की जाती। और वॉशिंग एरिया में वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न करके दिया जा रहा है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स के जो स्प्लिट एसी लगेंगे उनके आउटलेट इस तरफ दिए गए हैं इस घर में। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे और पहली मंजिल के एरिया को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। पहली मंजिल पे जाने के लिए घर के आगे के एरिया से हमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेज मिलती हैं। और पहली मंजिल पे सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि आगे की तरफ हमें एक बालकोनी एरिया मिल रहा है जिसमें स्टील की रेलिंग लगा दी गई है, टफन ग्लास यहाँ पे लगा दिया गया है और एलिवेशन की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे डार्क कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। विंडोज़ आपको नज़र आ जाएंगे कि फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है ताकि वेंटिलेशन पहली मंजिल पर भी ठीक से हो सके। और पहली मंजिल में घर के अंदर एंट्रेंस के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया आपको ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। वायर मैश डोर आपको पहली मंजिल पे भी मिलेगा एंट्रेंस पे। और ये है दोस्तों मेन एंट्री डोर, ये भी दोस्तों फ्रेम वाला डोर है। पहली मंजिल के भी जो डोर्स हैं वो सारे ही फ्रेम वाले डोर्स हैं। और लॉबी एरिया हमें सबसे पहले मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर घर के अंदर एंटर करने पर ही। लॉबी एरिया लगभग 9 फीट बाय 10 फीट के साइज़ में है। आगे की तरफ हमें किचन मिलती है लगभग 8.5 फीट बाय 10 फीट के साइज़ में। और पहली मंजिल की किचन में भी प्रॉपर वुडवर्क हमें मिल रहा है, कोई कमी नहीं रखी गई। स्टोरेज हमें नज़र आ जाएगी कि नीचे की तरफ भी मिल रही है शेल्फ के और शेल्फ के ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है। दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है, तो पहली मंजिल में भी जो किचन का वॉशिंग एरिया है यहाँ पे ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं ऊपर की तरफ। विंडोज़ हमें मिल रही हैं और बाकी गीज़र और आरओ का प्रोविज़न आपको प्रॉपर अलग से मिलेगा, चिमनी का प्रोविज़न अलग से मिलेगा, फ्रिज आप अपना यहाँ पे रख पाएंगे अलग से। दोस्तों फॉल सीलिंग जो है किचन में और लॉबी एरिया में एक बड़े डिज़ाइन के साथ है। और पहली मंजिल पर भी आपको दो बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है। सबसे पहले हम घर के आगे के एरिया वाले बेडरूम को देख लेते हैं। इस बेडरूम का साइज है लगभग 10 फीट बाय 12 फीट। और दोस्तों इस बेडरूम में आगे की तरफ ओपन स्टोरेज के साथ हमें एक टीवी पैनल मिल रहा है, प्रॉपर हमें फॉल सीलिंग का एक अलग डिजाइन मिल रहा है एलईडी लाइट्स के साथ। इस तरफ विंडो हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, जिनको हमने बाहर से भी देख लिया था। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन हमें इस बेडरूम में भी प्रॉपर मिल रहा है। और दोस्तों पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर इस बेडरूम में भी आपको मिलेगा और साथ ही इस तरफ हमें एक कपबोर्ड भी मिल जाती है इस बेडरूम में। और दोस्तों इस तरफ एक और दरवाज़ा हमें मिलेगा इस बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है उस बाथरूम में जाने के लिए, जिसका साइज़ है अंदाजन 6 फीट बाय 7 फीट। और इस बाथरूम में भी दोस्तों आपको नजर आ जाएगी ग्लोसी टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में भी लगा दी गई है। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमें अलग अलग विंडोज मिल रही हैं इस बाथरूम में भी। तो दोस्तों अब चलते हैं इस घर के फोर्थ बेडरूम को देखने के लिए। फोर्थ बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाजा है।
दोस्तों फोर्थ बेडरूम इस घर का सेम 12 फीट बाई 14 फीट के साइज में है। इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं और ड्रेसिंग टेबल अटैच इन कपबोर्ड के साथ करके बनाया गया है। इस तरफ प्रॉपर यहाँ पे लुकिंग मिरर लगा दिया गया है और स्टोरेज भी आपको मिल रही है। और दोस्तों टीवी पैनल हमें ओपन स्टोरेज के साथ मिल रहा है, ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और फॉल सीलिंग में इसमें इस घर बेडरूम की फॉल सीलिंग में एक अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा। LED लाइट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं। पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर भी लगा दिया गया है। और इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें मिल रही हैं, फिक्स वाले भी और ओपन करने वाली भी। इन्हीं विंडोज़ में आपको इस तरफ प्रोविज़न मिलेगा विंडो AC लगाने का, और स्प्लिट AC लगाने का भी प्रोविज़न किया गया है इस बेडरूम में। और ये बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। अंदाजन 5.5 फीट बाई 6 फीट का साइज़ है। इस बाथरूम में भी ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं सीलिंग की हाइट तक, और एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में। ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में भी लगा दी गई है। घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें दोनों तरह की इस बाथरूम में भी मिल रही हैं। तो ये दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन थी। इसके साथ ही पहली मंजिल पे हमें एक बड़ा टेरेस एरिया भी मिलेगा। उस टेरेस एरिया में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है, और टेरेस एरिया में आप वॉशिंग मशीन भी इजीली यूज़ कर पाएँ, उसका भी प्रॉपर यहाँ पे प्रोविज़न करके दिया जाएगा। और आप इस एरिया में कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसी एरिया से आयरन की स्टेयर्स हमें मिल रही हैं, जहाँ से हम छत के एरिया में भी जा सकते हैं। तो हम छत के एरिया को भी जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों ये इस घर के साथ हमें छत का एरिया मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल स्टोरी घर है, तो बड़ा एक छत का एरिया हमें मिल जाता है इस घर के घर में। और आप चाहें तो इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। वाटर टैंक एक हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर के स्प्लिट AC के प्रोविज़न ऊपर की तरफ दिए गए हैं, और यहाँ से आपको घर के आगे का और आसपास का एरिया भी और ठीक से नज़र आ पाएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का। हमारा घर लगभग 140 गज का सनी क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। ईस्ट फेसिंग है, रेडी टू शिफ्ट है। यहाँ पे 3 बेडरूम का घर भी आपको मिल जाएगा और 4 बेडरूम का घर भी आपको मिल जाएगा। 4 बेडरूम के घर को हमने इस वीडियो में देख ही लिया है। तो 2 तरह की वैरायटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, आप अपने बजट के हिसाब से अपने घर को पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।